अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा में और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इतना हरा भरा और साफ सुथरा इंडस्ट्रियल सेक्टर मुश्किल ही देखने को मिलता है। चौड़ी सड़कें और पूरी ग्रीनरी, सभी फैक्ट्रियों के सामने ग्रीन बेल्ट का पूरा अरेंजमेंट। अब जैसे इस फैक्ट्री को देखें, फैक्ट्री का शेड दिखाई दे रहा है और उसके बगल में ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड, यही हाल इधर भी है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका नाम है इकोटेक, और इकोटेक इसीलिए रखा गया है कि ये सभी सेक्टर्स जो इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं और इनका ध्यान ये रखा गया है कि यहाँ प्रदूषण वाली फैक्ट्रियाँ ना हो, सेक्टर में भी प्रदूषण ना हो। और इस समय हमारे साथ हैं पटेल प्रॉप मार्ट के डायरेक्टर अमित राठी। अमित राठी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कब से इस प्रोफेशन में हैं, रियल इस्टेट में? 2006 से रियल इस्टेट में है। और जैसे ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो ये माना जा रहा है कि इस समय लोगों ने बहुत ज़्यादा रुचि लेना शुरू किया है, तो क्या ऐसा सचमुच में सही है? हाँ, नहीं, ऐसा सचमुच में सही है। और पिछले 3 साल में यदि ग्रेटर नोएडा की हम बात करें तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लिए, इवन 3 से 4 गुना भी ये हमारा जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं ये हुए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी हुई है कि जो दिल्ली में फीलिंग हुई है, दिल्ली से लोग काफ़ी निकले हैं, जो इंडस्ट्री जिनकी चल रही है। और उसके अलावा जो हमारा दूसरा सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ आसपास में हमारी कई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई हैं, तो उनके जो वेंडर्स हैं तो चाइना से और कुछ कोरियन कंपनी को डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने उसकी वजह से इस सेक्टर में मूवमेंट है। और ये सेक्टर की इसके हिसाब से रेंटल भी इसके काफ़ी अच्छे लोगों को मिल रहे हैं, तो ये ग्रोथ जो है ये पिछले 3 से 4 साल के अंदर ये सारी ग्रोथ दिखाई दी है। चलिए, आपसे भी और भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। अभी हम लोग जरा जाते हैं, सेक्टर को देखते हैं और उसको कितनी डेवलपमेंट वास्तव में ग्राउंड लेवल पे। आज हम ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम इस समय जा रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत की है इकोटेक 6, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर 2 तरह के ऑप्शन हमें मिलते हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये छोटे प्लॉट्स हैं 450 मीटर से लेके 1000 मीटर तक के, और ये देखिए लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसमें शेड बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने RCC का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा का पूरा। और इसमें यदि हम यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं तो ये बड़े प्लॉट्स, आपको बड़ी बाउंड्री दिख रही है, ये बड़ी बाउंड्री में जो पहले वाली बाउंड्री है ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने अथॉरिटी ने की हुई है। यहाँ पे 2 बड़ी बाउंड्री, 250 मीटर के 2 प्लॉट्स हैं। एक प्लॉट हमारा ये वाला जो प्लॉट है ये टीमा के नाम पे है, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को दिया हुआ है। दूसरा प्लॉट अभी आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन भी इस पे हो रहा है बहुत तेजी से, ये ओप्पो जो मोबाइल कंपनी है ये उनका प्लॉट है। ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बाउंड्री और बन रही है, और ये ओप्पो जो मोबाइल आप जहाँ यूज देखते हैं वो उसकी कंपनी है। ये अभी 25% एरिया में ही ऑपरेशनल है, बाकी और ये पीछे, इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन इस समय चल रहा है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे इस सेक्टर के आसपास कई वेंडर जो ऑलरेडी ओप्पो के हैं, जो ओप्पो के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, असेंबल करते हैं, वो सारे लोग, काफ़ी लोग आसपास के इन सेक्टरों में आपको मिल जाते हैं। इसकी वजह से हमारे इस जो ग्रेटर नोएडा का जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनमें बहुत तेजी से पिछले 2-3 साल के अंदर तेजी देखने को मिली है, चाहे हम रेंटल की बात करें चाहे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन की बात करें। ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो इनकी चाइनीज फर्म है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है इसको। अब बाहर आ गए हैं हम, अब ये हम इस समय इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1 की तरफ जा रहे हैं, और ये आप राइट साइड में देखेंगे तो ये यहीं से ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए आपको चढ़ते हैं, यहाँ पे एंट्री मिलती है, यहीं से एग्जिट है। तो ये इससे लगा हुआ ये सेक्टर हमारा इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1 है। एक सेक्टर की खूबी ये है कि इसमें बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, इसमें 2000 मीटर से लेके और लगभग 20 एकड़ तक के प्लॉट्स हैं, तो जो वेयर हाउसिंग के लिए और उस अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहे हैं। ये 9 सारी जो यहाँ पे इंडस्ट्री है सब नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं, पॉल्यूशन वाली यूनिट्स आपको नहीं मिलेंगी।
तो बेसिकली जो अथॉरिटी है वो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में एक तरह से कन्वर्ट कर रही है। इसके अपोजिट साइड में जो हम चल रहे हैं राइट साइड में, आपको बेनेट यूनिवर्सिटी है जो 100 एकड़ में बनी हुई है और ऑलरेडी 3 से 4 साल हो गए हैं इसको ऑपरेशन हुए हुए, वो उसको साथ मिलती है। तो पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया हमारा ये आप जो देख रहे हैं बेनेट यूनिवर्सिटी है, ये 100 एकड़ में सारी की सारी यूनिवर्सिटी। और ये जितनी भी आप ये देख रहे हैं बहुत तेजी से ये डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 साल के अंदर, ये सारा का सारा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। ये की बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा ये कुछ शेड्स हैं जो ये हाउसिंग के लिए लोगों ने बनाए हुए हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, ये इस तरह से नया कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया वही इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1 है। तो जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल एरिया के, वही हमारे सारे अलग अलग सेक्टर में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक नया और अच्छा सेक्टर ये डेवलप होके आ रहा है। इसमें आपको ज़्यादातर कंपनियां चाइनीज और कोरियन कंपनी है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो वेंडर हैं वीवो और ओप्पो के। साइज मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे 2000 मीटर से लेके और 20 एकड़ तक के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सड़कें चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, 24 मीटर की रोड है आपकी सामने, और पावर और आपका वाटर सप्लाई आपको मिलता है यहाँ पे। ये देखिए काफी बड़े बड़े शेड यहाँ पे अब ये बनते जा रहे हैं। ये हमारा ये जो सेक्टर है उसके हिसाब से यदि हम देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से, तो यहाँ लोगों ने काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन लिया है और रेंटल भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। रेंटल में ये कि यदि आप कोई शेड बनाते हैं तो इमीडिएट आपका प्रॉपर्टी आपकी रेंट आउट हो जाती है, कोई ना कोई चाइनीज या कोरियन कंपनी वो आपको मिल जाती है, वो आपसे लीज पर ले लेते हैं। अब हम ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट वाले एरिया में हम जा रहे हैं, इसके पास में एक ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आपने सुना होगा DMIC, उनकी एक टाउनशिप बन रही है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर में। उस टाउनशिप के साथ इन्होंने अभी फर्स्ट फेज में एक तरह से 750 एकड़ की गेटेड बाउंड्री के वॉल के साथ इन्होंने एक ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं। अभी सबसे पहले इन्होंने 150 ये देखिए पूरी बाउंड्री आप दिखेगी, बहुत मैसिव बाउंड्री इन्होंने बनाई है। ये जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा उस बाउंड्री के अंदर होगा। तो ये पूरा जो एरिया आप देखेंगे ना 750 एकड़ का है, और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक प्लांड स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है, और इसमें जो अथॉरिटी ने जो अलॉटमेंट दी है मिनिमम 3 एकड़ की अलॉटमेंट। ये जो आप शेड देख रहे हैं ये हायर को अलॉटमेंट हुई है, ये 150 एकड़ की है जो ये FMCG प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनका ये काम चल रहा है, उनका शेड बन रहा है। और ये राइट साइड में ये देखिए आप, ये जो शेड है ये पूरा हायर का है, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये 6 महीने में मेरे हिसाब से शायद ये ऑपरेशन हो जाएगी यहाँ पे, और कई हजार हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा यहाँ पे। और अभी हम अंदर हम बाउंड्री के अंदर हैं तो आप देखेंगे अलग अलग इन्होंने दोनों तरफ प्रॉपर प्लानिंग के साथ काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं और इन्होंने प्लॉट दिए हैं। इसमें मिनिमम 3 एकड़ की अलॉटमेंट इन्होंने दी हुई है, 3 एकड़ से नीचे की अलॉटमेंट ये अभी अथॉरिटी ने नहीं की हुई है। इसमें भी ज्यादातर चाइनीज कंपनी इस समय कर रही है, जैसे हायर है ये भी चाइनीज है, और इसके अलावा 2-3 कंपनी अभी आपको और जिनके कंस्ट्रक्शन अंदर चल रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये बड़ा प्लान डेवलपमेंट है, ये मॉडल ऐसा है कि इस मॉडल यदि ये सक्सेस हो जाता है तो और भी अथॉरिटी इसी तर्ज पे इसको डेवलप करेगी। ये भी एक नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये प्रॉपर बहुत चौड़ी सड़कें हैं, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि गेटेड है पूरा का पूरा। ये गोल चक्कर इन्होंने दिए हैं, देखिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है यहाँ पे, बिल्कुल एक यूनिक कंसेप्ट आपको मिलेगा। NCR में इस तरह का कंसेप्ट आपको शायद ही देखने को मिले, इतना प्लांट वे में इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह का डेवलपमेंट आपको बहुत कम दिखता है। तो ये एडवांटेज है अब ग्रेटर नोएडा का, इसीलिए यहाँ पे
ये एक और कंपनी का, ये भी एक चाइनीज कंपनी है जिनका ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो दूसरा कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है ये भी एक चाइनीज कंपनी है। ये सारी कंपनी वो है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में आपको बनाते हैं। ये कुछ लोग इनके वेंडर हैं, कुछ अपना अलग से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये गवर्नमेंट की एक तरह से पॉलिसी भी लगभग ये है कि यहाँ पे इस एरिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया डेवलप किया जाए, उसी के लिए बेसिकली प्रमोशन ये गवर्नमेंट भी कर रही है। और अभी ये डेवलपमेंट का ही काम चल रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे चारों तरफ। आप हैं मिस्टर अमित राठी, डायरेक्टर पटेल प्रॉप मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, और 2006 से इन्होंने बताया रियल इस्टेट में है। तो राठी जी, मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से चल रही है ग्रेटर नोएडा में और उसमें क्या संभावनाएँ है बनती हैं। देखिए, यदि आप देखें तो ग्रेटर नोएडा के अंदर पिछले 3 साल में किसी सेक्टर ने ग्रोथ ली है तो वो मान के चलें इंडस्ट्रियल ने ही ली है। उसका दो बड़े कारण रहे हैं इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि दिल्ली के एक तो बहुत नज़दीक है और प्लांट इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा यहाँ पे, तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन या सीलिंग की वजह से इंडस्ट्री निकली, एक तो वो इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे आई हैं। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा वीवो ओप्पो 2-3 बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ गए हैं, चाइनीज़ कंपनियाँ। इनके जो वेंडर हैं वो डायरेक्टली चाइना से यहाँ पे आके उन्होंने अपनी यूनिट लगाई हैं, तो इसकी वजह से ग्रोथ इन टर्म ऑफ रेंटल और इन टर्म ऑफ रेट अप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना रेट हमें हो गया है यहाँ पे। और ये जो ट्रेंड है ये अपवर्ड है, आज कोविड के दौरान भी ये रेट जो है हमारे बढ़े ही हैं, तो उम्मीद ये है कि ये ग्रोथ तेज़ी से और बढ़ती जाएगी और गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो ये भी एक एडवांटेज है। अच्छा, एक सवाल है, जैसे हम लोग बाहर के रहने वाले ज़्यादातर ग्रेटर नोएडा को परी चौक से जानते हैं, जी तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि परी चौक से ये किस तरफ होगा और आसपास की जगह क्या होगी। अब मैं आपको एक मैप पे ले चलता हूँ, तो उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप जब आते हैं तो ये परी चौक एक बेसिकली एक तरह से एंट्री गेट है हमारा, यहाँ से शुरुआत होती है। लोगों का भ्रांति है कि परी चौक शायद बीच में है, ये शुरुआत है, यहाँ से सारा ये जो एरिया है ग्रेटर नोएडा का वो शुरुआत होती है। जितना येलो देख रहे हैं आप, ये सब रेजिडेंशियल है। और यदि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री परी चौक से दोनों तरफ है, यदि हम राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, जिस समय हम बात कर रहे हैं वो हमारा राइट साइड में, परी चौक से हम राइट लेते हैं टुवर्ड्स 3 से 4 किलोमीटर चलते हैं तो 3 किलोमीटर पे पहले ये इकोटेक 1 आता है, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लॉट दिए हुए हैं। इसमें होंडा मेन जो कंपनी है वो होंडा है, होंडा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं पे है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक ये कासना एक कस्बा आता है, पुराना शहर है, छोटा कस्बा है, उसके साथ लगे हुए एक मेन इंडस्ट्रियल एरिया, ये इकोटेक आप देखेंगे इकोटेक 1 एक्सटेंशन है, और इसके अपोजिट साइड साइट 5 है, UPSIDC का है साइट 5 है। यदि हम बात करें इकोटेक 1 एक्सटेंशन, ये पूरी तरह से डेवलप एरिया है, इसके साथ ही लगा हुआ इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1 है। इकोटेक 1 एक्सटेंशन की खूबी है कि इसके साथ ही ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो हमारा इधर सोनीपत से आगे मानेसर जाता है, एक रिंग रोड जो दिल्ली के दोनों तरफ बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसके साथ ही लगा हुआ आप ये देखेंगे इकोटेक 11 है और ये इकोटेक 10 एक ये नया सेक्टर है। तो ये पूरा का पूरा एरिया ये इंडस्ट्रियल है यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे रेलवे लाइन के साथ साथ, दिल्ली हावड़ा ट्रैक है ये, इसके साथ साथ इन्होंने एक ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं DMIC के साथ जॉइंट वेंचर में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है। और हम यदि राइट साइड में आए रोड के तो ये इकोटेक 6 है, और यहीं पर इकोटेक 6 में ही हमारी ओप्पो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं पर उन्होंने अपनी यूनिट लगाई हुई है। तो ये पूरा एरिया आपका पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और फ्यूचर में भी इनकी प्लानिंग है कि इसी के साथ साथ ही कुछ और एरिया को ये लेके आने वाले हैं जल्दी। हायर के बारे में बताया था, वो DMIC में आएगा? जी जी, ये DMIC की ये पूरी इन्होंने रेलवे लाइन के साथ साथ एक 750 एकड़ की गेटेड एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये बनाई है यहाँ पे, और इसके अंदर हायर का ऑलरेडी काम चल रहा है बहुत तेजी से। उम्मीद है कि 4-6 महीने में वो प्लांट रेडी हो जाएगा। 150 एकड़ में उन्होंने हायर ने अपना सेटअप यहाँ पे लगा रहे हैं। हायर के अलावा वहाँ पे 2-3 चाइनीज कंपनी और भी वहाँ पे काम कर रही है इस समय। जी, जैसा अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा था। जी, तो अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज़ आए, सपोज किसी के मन में आता है कि हम नई इंडस्ट्री डालें या जो इंडस्ट्री उनकी दिल्ली में है उसको वहाँ लेके जाएं, तो हमें कोई एक इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना होगा, तो उनकी क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं? ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ये, या फ्री होल्ड है,
थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि अगर कोई लेने का मन बनाए तो वो क्या क्या स्थिति बनेगी। देखिए यहाँ पे नोएडा ग्रेटर नोएडा की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, 90 ईयर्स के लिए अथॉरिटी लीज करती है। और आपको जो प्लॉट, सपोज आपको एक प्लॉट मिलता है यहाँ पे, तो उस प्लॉट को आप अपनी कोई भी यूनिट पहले जिस चीज़ के लिए आपने बनाई है उसको फंक्शनल कराएंगे, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी सेल हो पाएगी। तो यदि हम बात करें, सपोज आप सेलर हैं, मैं बायर हूँ, तो आपके मेरे बीच में ट्रांजेक्शन होगी। आपने कोई प्लॉट लिया, उस पर सपोज आपने एक प्रोडक्ट के लिए आपने अथॉरिटी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है, उसको आपको पहले बना के फंक्शनल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही अथॉरिटी ट्रांसफ़र चार्ज लेती है, देन मेरे नाम पे रजिस्ट्री होती है। तो एक प्रोसेस है, और उसमें हमें लीज रेंट, यदि आप ये देखना होगा कि लीज रेंट आपका वन टाइम पे है या अदरवाइज एनुअली हमें लीज रेंट पे करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के टाइटल बिल्कुल क्लियर होगा, हमारे नाम पे होगा सब कुछ। जी जी जी, आपके नाम पे होगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चूंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो टेक केयर करती है अथॉरिटी। जब तक कोई ड्यूज या किसी तरह का उस पर मॉर्गेज होगा, जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। चलिए वेल, और जैसे इंडस्ट्रीज़ में मान लीजिए कोई किसी ने खरीद लिया, बहुत दिन तक उसको देखने नहीं आ रहा है, क्या कोई कब्जे जैसी या लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, वो इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। जब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, तो अभी जितनी भी बाहर की कंपनी आई हुई हैं वो इसीलिए आई हुई हैं कि उन्हें एक माहौल मिला हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया है, इसीलिए बाहर की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ 250-250 एकड़ में अपना सेटअप बना रहे हैं। और कब्जे की बात करें तो कब्जा चूंकि अथॉरिटी पे जो ओनरशिप है वो एब्सोल्यूट ओनरशिप अथॉरिटी की है, आप तो एक तरह से लीज ही हैं उसके, तो अथॉरिटी का टेक केयर। इसलिए आप देखेंगे काफ़ी प्लॉट आपको खाली मिलेंगे, तो किसी तरह कब्जा आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या संभावना देखते हैं एक इन्वेस्टर के तौर पर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर कि लोग यहाँ आना चाहें? देखिए, यदि आप हम बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर, तो दिल्ली से सबसे नज़दीक और सबसे बेटर प्लांट जो इंडस्ट्रियल एरिया वो यही है, पहली चीज़। अब दूसरा एडवांटेज ये है, जैसे जेवर एयरपोर्ट यहाँ आ रहा है, इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, दिल्ली कलकत्ता फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। जो दिल्ली वर्ड है वो बेसिकली ग्रेटर नोएडा है, तो यहीं से आपको रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, यहीं से आपको आपको आपके प्रोडक्ट के लिए एयर कनेक्टिविटी, एयर कार्गो कनेक्टिविटी मिलेगी। और रोड का एक्सेस इतना शानदार है कि ऑल ओवर इंडिया आप बाई रोड यहाँ से जा सकते हैं। 3-4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है हमारा जो शहर है, तो ग्रोथ हमें दिखती है, और ये आगे चल के ट्रेंड अपवर्ड्स ही है, बढ़ता जाएगा। और ये एज ए इन्वेस्टर बात करें तो आपको रेंटल आपको बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, यहाँ का रेंटल और नोएडा का रेंटल लगभग बराबर हो गया आज की तारीख में। थैंक यू राठी जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आपने, और मैं चाहूँगा कि ये जानकारियाँ लोग अपना फ़ायदे के लिए यूज करें।